दोस्तों, साउथ फिल्म सितारे भी बॉलीवुड सितारों से किसी मामले में कम नहीं हैं। ये फिल्मी सितारे अपनी एक एक फिल्म के लिए भारी भरकम रकम चार्ज करते हैं। इन फिल्मी सितारों की कथित तौर पर इनकम जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे महंगे साउथ सितारों के बारे में। पहले नंबर पर है रजनीकांत। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत हाईएस्ट साउथ स्टार की लिस्ट में सबसे अव्वल है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने अपनी पिछली फिल्म दरबार के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम वसूली थी। प्रभास बाहुबली जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद साउथ सुपरस्टार प्रभास सबसे महंगे साउथ स्टार की लिस्ट में नंबर एक पर आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदि पुरुष के लिए प्रभास पूरे 100 करोड़ रुपए वसूलने वाले हैं। थलापथी विजय तमिल सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। थलाइवा के बाद थलापथी विजय की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अपनी फिल्म मास्टर के लिए थलापथी विजय ने कथित रूप से 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम वसूली है। महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म सरकारू वारी पाटा में बिजी हैं। इससे पहले फिल्म श्री लेरू निके फारू के लिए एक्टर ने कथित तौर पर 82 करोड़ रुपए बतौर मेहनताना वसूला था। पवन कल्याण तो वहीं साउथ स्टार पवन कल्याण एक फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अल्लू अर्जुन अल वैकुंठ पुरमलो की धासु सक्सेस के बाद साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपनी रकम बढ़ा दी है और वो 25 करोड़ से सीधा 35 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं। रामचरण तो वहीं साउथ फिल्म स्टार रामचरण अपनी आने वाली फिल्म RRR के लिए 25 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं। जूनियर एनटीआर भी साउथ फिल्मों के एक जबरदस्त एक्टर हैं और वो SS राजामौली की फिल्म RRR के लिए पूरे 25 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं। मोहनलाल मलयालम फिल्म स्टार मोहनलाल एक फिल्म के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ममूटी तो वहीं मलयालम फिल्मों के एक और सुपरस्टार ममूटी भी एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए लेते हैं। तो ये थे दोस्तों साउथ के सबसे महंगे सुपरस्टार। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।